नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैटर वेव से रिलेटेड है. कहा गया अ पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ई हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा. इफ एनर्जी डेल्टा इज एडेड टू इट्स एनर्जी द वेवलेंथ बिकम लैम्डा बाय 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा ई. है ना, कहने का मतलब यह है कि पहले जब एनर्जी ई था तो वेवलेंथ था उसका लैम्डा. अब उसकी एनर्जी जो है वो डेल्टा ई से बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वेवलेंथ जो है उल्टा घट गया है. ठीक, तो बताना है कि उसकी एनर्जी कितना से बढ़ी है. हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग कैसे लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. पी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, और मोमेंटम जो है पी स्क्वायर बाई टू एम, ये होता है काइनेटिक एनर्जी जिसको यहां पर ई बताया गया है. पी होता है एम इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं. तो पी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट टू एम इंटू ई, है ना. तो ये हो गया एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एम ई, ये आ गया. पहले ये जो वेवलेंथ था ये लैम्डा था, बाद में ये लैम्डा बाई टू हो गया जब इसकी जो एनर्जी है वो हमने कर दिया ई प्लस डेल्टा ई, इतना कर दिया हमने. ठीक, तो अब इनका रेशियो निकाल करके हम लोग डेल्टा ई का वैल्यू निकालेंगे. अब देखेंगे अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2 और इधर आएगा रूट ई प्लस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई. स्क्वायर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई. 1 को इधर लाएंगे तो आएगा 3 इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई ई, यानी कि यहाँ लिख देते हैं तो डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 इंटू ई. ठीक है, तो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सही है. ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो डेल्टा ई का वैल्यू 3 ई बता रहा है, तो ये सही ऑप्शन होगा.